अबे यार, एक तो ये इतनी सुनसान सी सड़क है और भाई ऊपर से मेरा पेट्रोल और खत्म होने वाला है मेरी बाइक का। वैसे यार ज्यादा दूर बचा नहीं है मेरा घर पर, लेकिन यार पेट्रोल जो है वो कुछ ज्यादा ही कम बचा हुआ है। और ये क्या भाई, ये लो यार गाड़ी बंद भी हो चुकी है। मुझे तो लग रहा था मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा, कम से कम घर तक तो पहुंच ही जाऊंगा फिर मैं, पर लेकिन यार ये गाड़ी मतलब कि मेरी ये बाइक अभी बंद हो चुकी है यार। भाई मेरे को गिरा दिया, क्या करूं यार, मेरे को तो कुछ आ रहा है। और इस रोड पे तो कहीं गाड़ी, एक सेकेंड, एक इसकी कार खड़ी हुई है, रुक जाओ भाई, इस बंदे से हेल्प मांगता हूं, इसमें कोई बैठा होगा जरूर। गाड़ी किसकी खड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये क्या बात होती है भाई, कोई अपनी कार को ऐसे क्यों छोड़ के जाएगा यार भाई, सुनसान सड़क पे भाई, अपना सुनसान सड़क पे कोई गाड़ी को एक साइड में लगा के छोड़ गया। क्या पता यार इसका भी पेट्रोल खत्म हो गया, धक्के मार के भाई साइड में लगाई है उसने कार, तो खतरा भी होगा ना उसकी कार को, कोई चुरा के भी लेके जा सकता है, क्या पता भाई है वो बंदा। पर आवाज मारू, हेलो भाई साहब, कोई है क्या यहाँ पे आसपास? हेलो भाई, यहाँ पर कार खड़ी हुई है किसी की, कोई है क्या यहाँ पे? भाई मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई अभी। क्या करूँ यार, मेरा घर यहाँ से दूर है भाई, वैसे इतना दूर तो नहीं बचा हुआ, फिर भी यार पैदल पैदल जाऊंगा तो कम से कम 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। और बाइक से जाऊंगा या फिर कार से जाऊंगा तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला यार। एक बार बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करूँ क्या? चलो यार, हाँ ऐसे ही करता हूँ, क्या पता स्टार्ट हो ही जाए। आता हूँ बाइक को और देखता हूँ स्टार्ट, अबे नहीं हो रही यार। अरे ये क्या, ये कार वो स्टार्ट हुई थी क्या अभी? मुझे ऐसा लगा कि कार स्टार्ट होने की आवाज आई हो, मुझे तो बंद पड़ी है यार, मुझे लग रहा है कोई बहम हुआ होगा। वैसे भी इस कार के अंदर कोई तो बैठा नहीं है जो इस कार को स्टार्ट करेगा। हाँ भाई, बहम ही होगा मेरा, और ये मेरी बाइक तो स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने एक काम करता हूँ, इस कार को स्टार्ट करके देखता हूँ, क्या पता ये कार स्टार्ट हो जाए। अगर स्टार्ट हो जाएगी तो यार मजा आ जाएगा, एक बार करके देखता हूँ इस कार को। तो एक सेकेंड, स्टार्ट तो हो गई, और इस कार के अंदर तो फ्यूल भी एकदम फुल है भाई, टंकी एकदम फुल करा रखी है। तो फिर यार टंकी फुल करा के कोई इस कार को ऐसे क्यों छोड़ के जाएगा, एक बार चला के देखता हूँ, पिंच वगैरह तो नहीं हो रहा। तो भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर, एक सेकेंड, तो ये क्या था भाई, कार अभी मेरी बाइक से थोड़ी सी टच हुई थी और ये ऐसे दूर कैसे जा रही है। बिल्ड क्वालिटी मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, या फिर बोल लो पावरफुल भाई। ये देखो ना, मैं टक्कर मार रहा हूँ और ये शिट भाई, ये मुझे लग रहा है इस कार के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या होगी भाई, कार तो कार होती है ना, इसमें क्या गड़बड़ होगी, इस कार के अंदर ही ज्यादा पावर होगी भाई। मैं तो इस कार को अब लेके जा रहा हूँ ना, एक काम करूंगा, सुबह या तो इसे बेच दूंगा या फिर कल सुबह होती पुलिस स्टेशन में से छोड़कर आ जाऊं। ये देखो मेरी बाइक तो भाई मुझे नहीं मिलने वाली, कोई चोरी होगा, कोई चोर देख लेना भाई मेरी कार को चुरा के ले जाएगा सुबह तक, वो बाइक तो मुझे फिर नहीं मिलने वाली दोबारा। और यार इस कार का भी मैं क्या करूं यार, आप लोग जल्दी से कमेंट में मेरे को एक बार बताओ कार का मुझे क्या करना चाहिए। कार तो यार चलने में एकदम बढ़िया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर। प्लीज यार गाइस, एक बार मेरे को कमेंट में बताना मुझे क्या करना चाहिए इसके अंदर। अभी तो भाई मैं जाके सोता हूँ, बाकी चीज में बाद में देखूंगा। चलो इसको गैराज के अंदर लगा देता हूँ, या फिर छोड़ो यार गैराज के अंदर क्या लगाऊं, कल सुबह या तो मैं इस कार को बेच ही दूंगा या फिर पुलिस स्टेशन में छोड़ कर आऊंगा। जो भी है यार, बाहर तो निकालनी पड़ेगी, इसलिए बाहर ही लगा देता हूँ। बार बार क्या बाहर निकालूंगा यार गैराज से। और यहाँ पर अपनी ये वाली कार और बाइक खड़ी हुई है भाई, अपना तो नुकसान तो हुआ है यार, बाइक तो मुझे लग रहा है कि चोरी हो जाएगी कल सुबह तक, और वैसे भी रोड के बीच में वो खड़ी हुई थी। अब छोड़ो यार, वो बाइक तो गई, बस कार को मैं बेचूंगा तो भाई प्रॉफिट तो मेरा हो ही जाएगा, मतलब जितने की वो बाइक थी ना उससे डबल में ये कार जाने वाली है, उस चीज की तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कार को बेचूं या फिर पुलिस स्टेशन में छोड़कर आऊं, देखते हैं यार जो भी होगा। अभी मैं तो सोता हूँ आराम से बिना किसी दिक्कत के। चलो तो ठीक है, गुड नाइट गाइस।
गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अभी मैं सोकर उठा हूँ। तो भाई अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि उस कार को मैं पुलिस स्टेशन में ही छोड़ आता हूँ, क्योंकि यार खाली पीली में रिस्क नहीं लेना मेरे को। पता चल रहा है कि बाद में पुलिस मेरे घर पर आ रही है मुझे लेने के लिए। तो इससे बढ़िया तो ये है कि भाई मैं साफ साफ पुलिस वालों को बता दूँ ऐसे ऐसे बात थी, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था और मैं इस कार को लेकर आया था। ये कार वहां पर ऐसे ही खड़ी हुई थी बस, तो मैं इस कार को लेकर आ गया और मैं अब आपको देकर जा रहा हूँ। ये जिसकी भी कार होगी आप लोग दे देना उसे। यानी यार मेरे ऊपर विश्वास करेंगे या फिर नहीं भाई, वो कहीं मुझे चोर ना समझ लें, फिर वो सोचे कि मैं इस कार को चुरा कर लेकर आया हूँ, बाद में बचने के लिए वापस देने आ गया हूँ मैं। यार ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि चोर तो भाई ऐसे थोड़ी ना पुलिस को वापस कार देने के लिए जाएगा। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, फटाफट से इस कार कर तो चलता हूँ। भाई ये क्या, मेरी कार को क्या हुआ, ये किसने करा मेरी कार के साथ? कार के साथ छोड़ो, बाइक का भी यही हाल है भाई। बाइक तो फिर भी ठीक ठाक हालत में, पर ये कार भाई अंजर पंजर अलग कर दिए इस कार के। और ये वाली कार तो सेफ है ना भाई, ये कार तो मेरी भी नहीं है, ये तो एकदम सेफ खड़ी हुई है यहाँ पे। मैं तो हल्का सा भी डेंट नहीं है, और उस कार का और ये बाइक का कितना बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ पर काफी सारे टायर के निशान भी हैं, तो मतलब किसी ने अपनी कार से मेरी कार को इतनी बुरी तरीके से ठोका है। पर लेकिन ये काम करा किसने होगा यार, मेरी तो कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है कि मेरे घर पर आकर कोई मेरी कार को ऐसे तोड़ेगा। यार रात में इतनी ज्यादा गहरी नींद में था कि मुझे यहाँ पे आवाज भी नहीं सुनाई दी। भाई ये तो गड़बड़ हो गई यार, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। एक तो वो अपनी बाइक वहां पर चोरी हो चुकी होगी अब तक, क्योंकि भाई अपने लॉस सैंटोस में यार यही है यार, भाई चोर बहुत घूम रहे हैं आजकल, एक तरीके का चोर। तो भाई आप लोग मुझे भी मान सकते हो, अभी मैं ये कार लेकर आया था वहां से। लेकिन यार अभी मैं चुपचाप से देख अभी तो आ रहा था ना पुलिस वालों को। यार ये कार का कितना बुरा हाल हो चुका है, ये देखो भाई इंजन भी खराब हो गया, धुआं निकल रहा है इंजन से। अब क्या करूं, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस कार को पुलिस स्टेशन ना दे कर आऊं, इस कार को ना मैं यार बेच आता हूँ, क्योंकि भाई मेरा जो है ना काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। एक ये बाइक मेरी इस बाइक में डैमेज आया है, उस कार में भाई ये तो पूरी खराब ही हो चुकी है, पता नहीं ये वापस रिपेयर होगी भी या फिर नहीं। अगर मैं इस कार को बेच दूं तो भाई मेरे पास में ये वाली कार को रिपेयर करने के पैसे और इस बाइक को रिपेयर करने के पैसे आ जाएंगे, और शायद कुछ पैसे बच भी जाएंगे मेरे पास में। हाँ यार मैं भी ना एक काम करता हूँ, इस कार को बेच कर ही आता हूँ, यही फायदा होगा, वरना तो यार मैं नुकसान में रह जाऊंगा भाई। ये पता नहीं कैसे और किसने कर दिया ये सब। चलो यार अभी मैं फटाफट से सिमियन के शोरूम पर चलता हूँ, और एक सेकंड पुलिस मेरे पीछे है क्या ये? तो नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा यार पुलिस मेरे पीछे है। चलो अभी फटाफट से सिमियन के शोरूम पर पहुंचता हूँ मैं। चलो यहाँ से लेफ्ट लेना, ये लो भाई मैं एकदम सेफली पहुंच चुका हूँ। अभी देखो यार मैं सिमियन के शोरूम पर इसे बेचने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास तो इस कार के कागज वगैरह है नहीं, मैं इस कार को नहीं चला सकता। पर लेकिन ये जो सिमियन है ना, इसका पूरा एक मस्त सा शोरूम है, कार शोरूम, ये कारों को बेचता रहता है, और भाई चोरी की कारें भी बेचता रहता है ये, और चोरी की गाड़ी के फेक कागज बनवा के सेल कर देता है कारों को। तो इसलिए जो खरीदता है बंदा उसे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और जो बेचता है यानी कि सिमियन इसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे यार मैं उन कागज को फेक तो बोल रहा हूँ, पर लेकिन वो कागज फेक होते नहीं है भाई, भाई बंदर एकदम कागज असली की तरह बना देता है, पुलिस वाले भी नहीं पकड़ पाते हैं। चलो फटाफट से बात करता हूँ इससे, लेट्स गो गाइस। अभी मैंने सिमियन से बात कर लिया और भाई इसने मेरे को पैसे भी दे दिए। ये मेरे हाथ में जो ब्रीफकेस देख रहे हो ना आप लोग, इसी के अंदर भाई इस कार का सारा पैसा है। सिमियन ने मुझे इस कार के पैसे दिए हैं पूरे के पूरे $30 मिलियन। तो वैसे भी मैंने कैब को भी कॉल कर दिया है, ये कैब है क्या? हाँ ये मेरी कैब है। चलो भाई फटाफट से। तो गाइस अभी फ्रैंकलिन को नहीं पता है जो कार वो रास्ते पे से उठाकर लाया था वो कोई नॉर्मल कार नहीं थी, वो थी एक गस्ट किलर कार। और अभी तक फ्रैंकलिन को ये भी नहीं पता है कि कार और बाइक की वो हालत उस गस्ट किलर कार ने ही की है। और फ्रैंकलिन उस कार को बेच तो आया है, पर लेकिन वो कार अपने आप चल सकती है, तो क्या वो कार अब अपने आप चल के फ्रैंकलिन के घर पर वापस आ जाएगी? अब इसके आगे फ्रैंकलिन के साथ क्या होने वाला है वो तो आपको पता चलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसलिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इस वीडियो का जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो बस गाइस यार आज के लिए इतना ही, हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।